हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, कि आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ठीक है, तो जिस वक्त आप देखेंगे उस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी। सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ ही इन्फॉर्मेशन हो जो ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर द एडिशनल वीडियोस मैं दे रही हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो करें, और मैं रेगुलर जो वीडियोस देती हूँ उसका नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रहे हैं, आइदर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ऐसा हो सकता है कि जो बेल आइकन है उसको नहीं दबाया होगा। ठीक है, सो आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, तो आप प्लीज़ स्कैम से बचे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। और जिस दौरान मैं करूँगी ना, प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए उनको। तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, हमेशा ये याद रखिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, सो प्लीज़ विजुअलाइज योर पर्सन। आर्कएंजल स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है राइट नाउ। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, द क्रोन, वी डू हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है द विच, ये है मैजिशियन का कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। आई एक्चुअली लव द सिक्स ऑफ कप्स, मुझे बहुत प्यार है इस कप से। द लॉर्ड ऑफ द शेडोज, द डेथ कार्ड, ठीक है यहाँ पे ही रख देते हैं ताकि आपको एक साथ दिखाई दे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, लास्ट में हम चार्म्स को यूज करेंगे गाइस। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ से शुरुआत किया था ना हमने, देखो नाइट ऑफ कप्स भी है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है आप या आपके पर्सन की साइन। कर्क वृश्चिक मीन राशि, यहाँ पे है लियो, दैट इज सिंह राशि, यहाँ पे है डेथ कार्ड द स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पे है जेमिनी मिथुन राशि, ठीक है एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है कोई, मेष सिंह और धनु राशि। देखो बाकी कार्ड्स भी हम शफल करेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। हाँ, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, महसूस हो रहा है आपके पर्सन की, अगर हम फीलिंग्स की विचार करें, अच्छा यहाँ पे कुछ नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 6, 8, 1, 6, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6, 24, 15 द मंथ ऑफ जून, ठीक है, और द सैटरडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है फ्राइडे सैटरडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या कोई भी वीकेंड्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आई थिंक सो इट कैन बी सैटरडे। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि आपके पर्सन जो है, जिनको हिम्मत इतना दिन से नहीं मिल रहा था आपको फेस करने का, मे बी वो आपसे सेपरेटेड थे, ठीक है, मे बी वो आपके साथ बहुत दिन हो गया कि बातचीत नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरह से है कि वो दूसरा देश, दूसरा सिटी, दूसरा कंट्री में जा चुके थे लेकिन शायद आपको पता नहीं था, कहानी कुछ इस तरह से है। दूसरा है कि ये इंसान जो है अपने काम, अपने जो व्यवसाय है या अपने जो बिजनेस है, जो भी है इनका वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड इश्यूज में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन्होंने एक, हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा भी हो, ठीक है, उनका जो एक खास इंसान घर में बैठे हैं उनके लिए सोच रहे हैं, ये सब चीज़ से वो निकल गए थे। तो क्या हुआ नतीजा, आप दोनों तो थे एक साथ, यू आर वेरी हैप्पी ऑल टुगेदर, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस रिश्ते को आइदर आप, हो सकता है, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि शायद कुछ लोग मैरिड होंगे और आप अपने ससुराल से ना मायके चले आए होंगे, शायद आपके पापा या मम्मी लेने आए होंगे या आप खुद लगेज लेके ना मायके चले गए होंगे, इतना नाराज हुए होंगे, या हो सकता है कि आप इतना खफा हुए इनसे, अगर शादी नहीं हुआ है तो आप उस शहर को ही छोड़ दिए, क्योंकि वो शहर, वो जगह आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाता है,
अगर नहीं भी किए हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप जितना भी कोशिश करते हो किसी चीज़ में फोकस करने का, अटेंशन देने का, आप कर नहीं पाते हो, लेकिन ये इंसान कर पाते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा, यू कैन से दे कंट्रोल देयर इमोशंस क्वाइट अलॉट। अगर इनको गुस्सा भी आएगा तभी भी ये कंट्रोल कर लेंगे, अगर इनको बहुत ज़्यादा ये दुख में भी होंगे तभी भी आपको ये समझने नहीं देंगे, बिकॉज दे कैन कवर अप देयर फीलिंग्स। जिस तरह से आपने देखा है कैन जो होता है, कैन का कवर जो होता है, लीड जो होता है, उसको खास बनाया जाता है, क्यों पता है? इसलिए उसका सील होता है। क्यों होता है? ताकि उसके अंदर जो कंटेंट्स है, मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल से ही समझ जाती हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो कंटेंट्स है, चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फिश हो, कुछ भी हो वो, ताकि वो स्टोर्ड अच्छा से रहे, प्रिजर्व अच्छा से रहे, लीकेज ना हो। अभी जो टिफिन बॉक्सेस निकले हैं, ठीक है, बच्चे के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि लीकेज प्रूफ होता है। सो द लीड वॉज वेरी टाइट, तो इन्होंने अपना लीड जो है बहुत ज़्यादा टाइट रखा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो भी कंटेंट्स है, शायद आप देख लो, इनको जान लो, पहचान लो आप पूरी तरह से, ये इंसान इतना इंट्रोवर्ट है कि ये दूसरे को ना पहचानने बिल्कुल, ये ऐसे इंसान है ना, ये किसी को अपना जो है ना वो पहचानने नहीं देना है। दे डोंट वांट एनीवन टू नो देमसेल्फ फुल्ली 200%, ठीक है, जानने नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपको मिल जाएंगे सोसाइटी में, ये उन्हीं में से एक है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर भी है, शायद अभी इसी वक्त आपके पर्सन जो है बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स होता होगा, या कहीं ना कहीं पे आपको याद आता होगा वो सारे लम्हे को। और दूसरा चीज़ है, बहुत पेनफुल सेपरेशन से अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि चलो मैं ही कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, मैं ही कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ, आपको इतना अर्ज होता है, टेम्पटेशन होता है, ड्राइव होता है कि इस पर्सन की तरफ आप खींचे चले जाते हो, ठीक है। और ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने शायद अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है इन्होंने आपका टेस्ट भी लिया है, कमिटमेंट टेस्ट भी लिया है कि आप कितना इनके लिए वफादार हो, इनके बाद ही इन्होंने अपने लाइफ में आपको जगह देने की सोचा है, या अपने ज़िंदगी में आपको वेलकम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर यू द कप्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी है पेज ऑफ कप्स, इसके नीचे भी था। कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्टली ये इंसान जो है, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये टस से मस्त नहीं होते, कहीं ना कहीं पे पत्थर दिल वाले इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो पत्थर दिल वाले इंसान को भी ना एक सहारे की ज़रूरत होता है। अगर लायन बहुत ज़्यादा फेरोशस है, लायन बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला ही एनिमल है, तो उसका लायनेस का ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर हर एक इंसान को अपने सोलमेट की ज़रूरत पड़ता है, देर इज़ अ नीड, देर इज़ द अर्जेंसी, होगा ही होगा। इसलिए बोला जाता है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं, कपल्स जो होते हैं, उनको साथ में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी होते हैं, राइट। तो चाहे जितना भी, ये देखो आपको कमिटमेंट देना चाहता है टिल द लास्ट एज ऑफ देयर लाइफ, दे वॉन्ट टू गिव अ कमिटमेंट। उनको आपको लगा होगा कि ये जो आपके साथ इनका जो एक प्यार की दास्ता है, ये एक परीक्षा है और कुछ नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है और इन्हीं के वजह से ये सब किया होगा। जब आपका कनेक्शन हुआ था, मैं इस तरह से बोल रही हूँ, आप समझने की कोशिश करो, आप तो बहुत ज़्यादा दिल दे चुके सनम, उस तरह से हो गए थे, बट कहीं ना कहीं पर पता नहीं क्यों मेरे मुँह से दिल दे चुके सनम, ये मूवी देख लेना ज़रूर, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आपने, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे भी एक कनेक्शन हुआ, इस तरह से ही था ना कि वो ओवरसीज़ गई थी और उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था अपने हस्बैंड के साथ। क्योंकि देखो रियल सोल में जो कनेक्शन है वो ऐसे ही होते हैं, चाहे आपका शादी किसी और के साथ हो, चाहे आप किसी और के साथ रिलेशनशिप रखो, आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। अगर उनका शादी बाई चांस किसी फ्रेंड के साथ हो गया है या किसी और के साथ हो गया, तो उन्होंने खास कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी से भी वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। दे हैव लिटरली लेफ्ट देम, ठीक है, किस तरह से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, उस तरह से। और वो वाला चीज़ कि
वो आपके आपको जो प्यार करते हैं ना पूरी तरह से, अभी जो मुझे लग रहा है बाबरा हो गए, पूरा बाबरी हो गए पूरा, ठीक है। सागर की लहरों की तरह वो आपको प्यार करना शुरू किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैजिक कैसे हुआ, तो दिस इज जस्ट लाइक अ डिवाइन मैजिक विच हैज हैपेंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो आ ही चुका है ना, आप तो हम तो बोल ही सकते हैं इसमें कि देर वॉज एंड देर इज ऑलवेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी वंस लाइफ। हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है, ठीक है। लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंट वो नहीं रहते हैं, ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये जो सिनेरी जो क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं पे ये अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मे बी आपको भी शायद हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मे बी वो दो बात बोल दिए, तो आप भी तो दो बात बोलोगे ना। सब लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं, कौन मानना चाहेगा। इवन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे आपने मान लिया अपने गलती, जहाँ पे आप गलत भी नहीं थे, ठीक है, आप मान जाओ ओके आई एम सॉरी, ठीक है। सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता है हमेशा आप सॉरी इसलिए बोले क्योंकि आप रिलेशनशिप को रक्षा करना चाहते थे और ये रिलेशनशिप को भक्ष, मतलब जो रक्षक है वही भक्षक हो गए वहां पे, ठीक है। जिम्मेदार कौन है, ये इंसान है, पर चेंज हुआ है सिचुएशन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, यू आर लाइक यू नो व्हाट, यू आर लाइक द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, दिल दरिया, सिर्फ मतलब पूरी तरह से समंदर की जैसा जिसका दिल है, लिमिटलेस, सबको प्यार कर बैठते हो, ठीक है। स्ट्रेंजर को मिले उनको भी प्यार कर बैठते हो, आप किसी को भी मिलते हो आप उनसे, मतलब सॉफ्ट साइड ही उनका, भले ही आप हो सकते हैं कि अंदर से स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपका जो सॉफ्ट साइड है वो ही दिखाई देता है बाहर, आपका स्माइलिंग फेस, आपका एक ग्रेस, ठीक है, आपका जो एटीट्यूड सोबर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो इंसान है ना, हम आपका भी फीलिंग्स देख लेंगे दूसरा डेक से। सो ये जो इंसान है, इनका फ्यूचर मोटिव क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर मोटिव। राइट नाउ अगर हम बोले दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक, ओके, दे वांट टू गेट इंडल्ज्ड विद यू, ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, एंड दे वांट लिटरली टू कन्फेस यू दैट दे आर रॉन्ग, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपोलॉजी ये मांगना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर एक्शन, ओके, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि द अर्थ मदर, ये तो हो गया एक चीज यहाँ पे, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि तुला राशि यहाँ पे है। अच्छा, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मे बी दे आर सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, दे आर सेल्स मैनेजर, दे ट्रैवल अ लॉट, बहुत ट्रैवल करने वाले इंसान। दूसरा चीज है दे कैन बी सर्जन, दे कैन बी स्केच आर्टिस्ट एनिमेशन फील्ड, दे कैन बी इन द ग्राफिक्स कंप्यूटर डिजाइनिंग। दूसरा है ये हो सकता है कि इनका खुद का इसका होता है ना वो नर्सरी वाला शॉप्स जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उसका कुछ हो सकता है, या उनका कुछ एक्सक्लूसिव वाला कुछ शोरूम हो सकता है जहाँ पे मे बी डिजाइनर वेयर और समथिंग लाइक दैट, या कपड़े संबंधित कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइन ऑफ कप्स फ्यूचर का एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, फ्रॉम सेवन ऑफ स्वर्ड्स टिल द नाइन ऑफ कप्स जर्नी। यहाँ पे ये इंसान भले ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा थे या उनका शादी करवा दिया गया था उनके फैमिली से और उनके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट फिलहाल जो है ये इंसान उस रिलेशनशिप से पीछे हटने की सोच रहे हैं। दे वांट, अगर नहीं हुआ है शादी तो ये थर्ड पार्टी जो है उनके लाइफ से ऑटोमेटिकली वैनिश होगा, बिकॉज फ्यूचर जो है वो आप ही के साथ देखते हैं। दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विथ यू, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है ही थर्ड पार्टी कनेक्शन, अगर नहीं भी है तो उनका कुछ इस तरह से है, इट्स वेरी यू कैन से लाइक दैट, इट्स नॉट दैट सीरियस ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए अगर नहीं है, आप बोल रहे हो आपको यकीन है कि नहीं है, आप बोलते हो ना कभी कभी नहीं है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे करियर है और करियर में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने उनका दिमाग खराब करके रखा है, बट वो ऑपोजिट जेंडर के हैं। अगर आपके पर्सन फीमेल है तो मेल है, अगर आपके पर्सन मेल है तो फीमेल है, ठीक है, जो उनका दिमाग जो है ना पूरी तरह से खराब करके रखा है, इन्होंने ना इनका जो दिमाग है इसी तरह से बुरी लत में फंसा दिया इनको,
इनको ना, आपके पर्सन को ना, इन्होंने ही बिगड़ा दिया, पूरी तरह से बिगड़ गया वो इन्हीं के वजह से, दे हैड डन इट। अदरवाइज आप इनके लिए इतना ही ब्यूटी, यू आर दैट ग्रेशियस, यू आर दैट, यू कैन से दैट यू आर एज एपिटम ऑफ ब्यूटी टू देम। हमेशा आप उनके लिए सौंदर्य हो, ठीक है, सुंदर हो आप, एक पेंटिंग के जैसे हो आप, ठीक है, जिसका कोई भी कंपैरिशन दूसरे चीज से नहीं होता है, नहीं होता है वो। एंड दे सी यू लाइक अ मदर फिगर, जो हमेशा केयरिंग, नर्चरिंग, पेड़ पौधों को पानी देना, खिलाना लोगों को, आपका नेचर स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट, बबली, चेयरफुल, लोगों के साथ अच्छा से बिहेव करना सबसे बड़ा बात है। ये चीज़ उन्होंने नोटिस किया है, जो चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी में नोटिस बिल्कुल नहीं किया है, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू बैक ऑफ। ठीक है, पहले तो उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगा ये रिलेशनशिप, मैं सही बात बता रही हूँ, ग्लैमरस लगा, क्योंकि कभी कभी हमें दाल चावल तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, शाक भाजी सब अच्छा नहीं लगता हमें, उसमें कुछ चाहिए मज़ा, चीज़, ओके, वी वांट हेविली लोडेड बटर, ओके, एंड दैट कैन कॉज कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो ये इन्फेक्शियस हो गया, ये जो कनेक्शन है ये इन्फेक्शियस है, बट इन फ्यूचर दे वांट यू टू मेक देयर ओन, ऑफ कोर्स आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, अगर हम इनके फ्यूचर मोटिव्स को देखते हैं तो। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हो, लास्ट में गाइडेंस कार्ड के साथ साथ थोड़ा चांस भी हम देख लेंगे। सो व्हाट डू यू फील अबाउट देम, आप क्या फील करते हो उस इंसान के लिए। आपके पर्सन इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हैं, कोई इस तरह का मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे डेस्क में बैठ के सब लोग फोन अटेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में भी, एनी टाइप ऑफ कॉलिंग सेंटर्स और BPOs और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वहाँ का लीडर, मैनेजर, ग्रुप, टीम मेंबर्स को संभालने वाले कोई हो सकता है। तो आपके 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 फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपका फीलिंग्स क्या है इस वक्त, व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ, आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द फूल, एक्वेरियस, फाइव ऑफ कप्स। फिर से दुखी हो आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड, सो फोर कैन बी इम्पोर्टेंट, फोर 22nd, 13th कैन बी इम्पोर्टेंट, द हर्मिट, यस। देखो किसने धोखा दिया और किस, मतलब कोई सजा भुगत रहा है, यहाँ पे द सन है लियो, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, डोंट वरी, ठीक है। आपका जो हालत है, यू आर राइट नाउ वेरी, यू कैन से लोनली, आप अंदर से आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई है नहीं, ठीक है, और मैंने इनसे जो, आपको ये भी फील होता है ये इंसान बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं आने में आपके साथ, एक नई शुरुआत तो आप चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिले है, कभी कभी आपको लगता है इनके साथ एक नई जीवन का शुरुआत हम तो करेंगे लेकिन क्या इसका नतीजा होगा, क्या फिर से ऑन एंड ऑफ हो जाएगा कनेक्शन में, शादी के बाद कैसे आप हैंडल करोगे इनके साथ सिचुएशन, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हुआ वो, तो आपको लगता है कि शादी के बाद क्या होगा, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका मैरिज फिक्स हो गया है लेकिन शायद वो शादी के बाद कोई और जगह पे ट्रैवल करेंगे, तो हो सकता है ट्रैवलिंग वाला जॉब से, तो आपको ये भी लगता है कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा या अकेली पड़ जाऊँगी तो मुझे परिवार को भी संभालना है, ऐसे में कैसे होगा। दूसरा चीज़ है, आप ऐसा भी फील करते हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इतना टाइम लेंगे तो शायद आपके घर वाले कोई और दूसरा जगह पे शादी फिक्स कर देंगे, या आपका मन जो है डाइवर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको इंट्यूशंस हो रहे हैं, कभी कभी आपको पॉजिटिव इंट्यूशंस होते हैं, कभी कभी आपको नेगेटिव इंट्यूशंस होते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि यस अच्छा ही हुआ, उनका जो सच्चाई है, हकीकत है, मैं जान पाई तो मैं बेहतर हूँ, कभी कभी आपको लगता है इस इंसान के बिना मैं कैसे जीऊँगा या कैसे जीऊंगी, मैंने तो इनको अपना सोलमेट तो मान ही लिया था ना, मैं किसी और का जगह किसी और को कैसे दे दूँ, क्योंकि आप ट्रूली सोचते हो ना, आप ट्रूली फील करते हो इनके लिए, आपको लगता है इनके साथ ही मैंने पूरा परिवार को देखा है तो मैं उनके जगह में किसी और को कैसे दे दूँ। और अगर आपका बाई चांस शादी हो गया है किसी और जगह पे तो आपको लगता है वो जगह आप शायद अपने प्रेजेंट हस्बैंड या प्रेजेंट वाइफ को नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका जो प्यार था उसके साथ आपका कनेक्शन जो है शायद नहीं है अभी,
इसी तरह से आप सोचते हो, बट आपने उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज लाइक दैट। आपने उम्मीद नहीं छोड़ा है, होप्स नहीं छोड़े हैं, आपका अभी भी विश फुलफिलमेंट यही इंसान है। आपको बच्चा शायद हो सकता है इन्हीं से चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है। सो कभी कभी आप भी टूट जाते हो, कभी कभी आपको भी लगता है, रेस्टलेस फील हो जाते हो, थक जाते हो और ज़्यादा ज़्यादा सोच के परेशान होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, ड्रेंड होता है एनर्जी, रेस्ट की ज़रूरत होता है, नींद पूरी तरह से नहीं आता है, ठीक है। और आपको कभी कभी ये भी लगता है कि एज भी हो रहा है, कब शादी होगा, मैरिजेबल एज में पहुंच गए हो, शायद सोसाइटी वाले भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते होंगे, इट्स वेरी नेचुरल ना, बोलेंगे ही वो, दैट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, दे विल से ऑफ कोर्स। और शायद अगर आपका शादी भी हो गया है तो हो सकता है कि आपके घर वाले बोलते हैं, जहाँ पे भी हो वहाँ पे एडजस्ट कर लो। तो शायद आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी ओवर देयर, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, फिर हम लास्ट में चार्म्स को देखेंगे। अच्छा, चार्म्स को थोड़ा निकल ही देते आपके सामने। आप लोग बोल रहे थे वीडियो करने के लिए, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, क्या वो मैसेज करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स भी दिया था, इससे पहले भी दिया था, फिर से मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं। सो लेट मी सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। मैंने यही बताया था आपको, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। कहीं ना कहीं पे आप प्रेशर मत दीजिए किसी को भी, मनाने इतना मत जाइए, कन्विंस करने मत जाइए, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीवन। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश ना करें। अगर उनका मेंटालिटी आपके तरफ चेंज हो रहा है और आप बार बार पूछ रहे हो कि क्यों चेंज हो रहा है, पहले जैसा क्यों नहीं है, और वो आंसर नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हैं, डोंट प्रेशराइज एनीवन, ठीक है। आप नहीं जानते हो कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, आपके डेस्टिनी में क्या होगा आपको नहीं पता है, मेजर सरप्राइजेस में भी कमिंग फॉर यू, सो यू डोंट नो। देखो, गाइडेंस में अगर देती हूँ मैं आपको, दिव्य शक्ति का जो गाइडेंस है मैं वो दे रही हूँ आपको, गो विद द फ्लो, नेचुरली होने दो। प्यार जो है ना, सोलमेट कनेक्शन है, वो नेचुरल है, उसमें कोई फोर्स नहीं करना, ठीक है। किसी को भी मनाने मत जाना, यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ ना, क्योंकि आपका एनर्जी, आपका नेचर आप खुद जानते हो, आप क्यों किसी को मनाने जा रहे हो बार बार। देखो, इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। मैं यहाँ पे 100% बैठ के बता देती हूँ कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तभी भी आपके आंखों में आंसू है, और इसके बाद भी आंखों में आंसू इसलिए होगा क्योंकि आप फिर से उनको मिस करना स्टार्ट करोगे। इमोशंस आर ओके, बट कहीं ना कहीं पे हम अगर बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में, यहाँ हीलिंग भी होता है मैं मानती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है, ये जो धुंधला सा होता है ना वो चीज़, क्योंकि आंखों में, हमारे आंखों में अगर पानी है तो धुंधला हो जाता है, उससे क्या होता है ना, जो हमारे पास एक्चुअल है, ठीक है, वो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो दे कैन डिस्टॉर्ट योर, यू कैन से दैट विजन, आपके जो करियर है उसमें डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है ये इमोशंस। इसलिए बोला जाता है ना, कभी कभी फिलोसोफर्स वर्ड भी सुना किया करो, कि ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस आपके एम्बिशन से बड़े हो रहे हैं। नो, एम्बिशंस अगर अच्छे हैं तो आपके इमोशंस भी वहाँ पे जस्टिफाइड है। अ मैसेज ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, आ गया खुशी वाला चीज़, आपके पर्सन आपके लिए बोल रहे हैं कि वो आपके लिए हमेशा सोच ही रहे, और आज का वही करंट फीलिंग्स था कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस दिस दिस, और रिजल्ट यहीं पर निकल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दे आर थिंकिंग, दो दो बटरफ्लाई है, दे कैन बी टू इन फ्लेम ऑफ योर्स, यहाँ पे छोटा सा नाजुक सा, यहाँ पे देखो टेडी हगी, दे वांट टू गिव यू हग्स, ठीक है। एंजल विंग्स आर देयर, तो हो सकता है आपको फेदर्स का भी ज़्यादा दिखाई दे कुछ ही दिनों में। यहाँ पे देखो ब्रांच है, सो दे वांट टू गिव यू प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं, तो रक्षा कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो स्टे प्रोटेक्टेड ऑलवेज एंड डेफिनेटली, यहाँ पे जो क्राउन आ रहा है, टियाराज आ रहे हैं, सो दे आर वेरी गुड साइंस, ठीक है। इन द फ्यूचर यू विल गेट एंगेज विद दिस पर्सन, एंड डेफिनेटली
यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सिंबल्स ही है, दो दो बार यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस होगा ही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग। डेफिनेटली डेयर ऑल सिक्स बेट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अलॉट, टेक केयर।